नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा, कौन सा है इससे बड़े दो मंदिर। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मंदिर के तौर पर बनने जा रहे प्रस्तावित अयोध्या तीर्थ का दायरा दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर के 2,40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र से ज्यादा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े हिंदू मंदिर कौन से हैं? यदि हाँ तो उन मंदिरों के बारे में आप कितना जानते हैं? अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर ताजा खबरों के बीच एक खबर डिजाइन में फेरबदल को लेकर भी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए 2.77 एकड़ की जमीन दी गई थी। अयोध्या एक्ट 1993 के तहत इस तीर्थ के लिए 67.703 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी, यानी 70 एकड़ या 2,83,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में इस तीर्थ का फैलाव होगा। जानिए दुनिया के दो सबसे बड़े मंदिरों की तुलना में कहाँ ठहरेगा ये तीसरा सबसे बड़ा मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मस्थल है अंगकोर वाट। कंबोडिया में स्थित यह मंदिर असल में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। 402 एकड़ यानी 16,26,000 वर्ग मीटर के दायरे में फैला यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मूलतः हिंदू मंदिर था, जिसे केलमर या अंगकोर साम्राज्य में राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। 12वीं सदी की शुरुआत में केलमर साम्राज्य की राजधानी यशोधरापुर में यह मंदिर राजमंदिर के तौर पर बनवाया गया था। 1.5 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में है अंगकोर का वाट का विस्तार। शिव बनाम वैष्णव की लड़ाई का नतीजा। 12वीं सदी के आखिर तक इस पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और यह मंदिर भी हिंदू बौद्ध मंदिर में तब्दील होने लगा। इससे पहले इस क्षेत्र में शिव राजाओं का वर्चस्व था और शिव मंदिरों की बहुतायत थी। उसी वक्त हिंदू धार्मिक मान्यताओं में शिव और वैष्णव विचारों के बीच संघर्ष का समय आया। इन संप्रदायों की लड़ाई का महत्वपूर्ण स्मारक यह मंदिर है, जो शिव परंपराओं की जगह विष्णु के वर्चस्व को स्थान देने के लिए बनवाया गया था। देश के लिए गौरव प्रतीक रहा मंदिर। अंगकोर वाट मंदिर समय के साथ कंबोडिया का प्रतीक बनता चला गया। कंबोडिया के झंडे पर आने के साथ ही यह कंबोडिया के लिए दुनिया भर से पर्यटकों के लिए खासा आकर्षक बनता गया। इस मंदिर की संरचना भी बेहद कलात्मक और विशाल है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला में हिंदू धार्मिक मान्यताओं में देवों का स्थान कहे जाने वाले मेरु पर्वत को दर्शाता है। दूसरे एक खाई के किनारे इसकी 3.5 किलोमीटर लंबी दीवारों के बीच चौकोर दालाने रमणीय है। एक वर्ग के केंद्र और चारों ओर कोनों के बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली पंचक आकृति में एकदम मध्य में मंदिर की संरचना है। अपने से पहले के अंगकोर मंदिरों से अलग इस मंदिर की संरचना पश्चिमी स्मारकों जैसी ज्यादा है। हालांकि इस संरचना को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। मंदिर की दीवारों पर कई देवताओं को उकेरा गया है। दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। पूरी दुनिया में से कार्यशील हिंदू मंदिरों की बात की जाए तो तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीरंग स्वामी का मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा है। अंगकोर वाट से तुलना की जाए तो 156 एकड़ या करीब 6,31,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला यह मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर तो है ही, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में भी इसका शुमार है। किसी शहर से कम नहीं है मंदिर। यह मंदिर 7 संकेंद्रित दीवारों यानी प्रक्रमों से घिरा है, जिनकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये दीवारें 21 गोपुरम के दायरे में हैं। इस मंदिर में 49 तीर्थ स्थल है, जो सारे के सारे भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अपने आप में किसी शहर से कम नहीं है। हालांकि यह पूरा इलाका धार्मिक मकसद का ही नहीं है। 7 में से पहली 3 दीवारों में दुकानें और व्यापारिक संस्थाएं हैं और आवासीय परिसर भी। इस तथ्य को अगर माना जाए और मंदिरों के क्षेत्रों को कम भी कर दिया जाए तब भी यह देश का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होता है, यानी चिदंबरम के थिलाई नटराज मंदिर और तिरुवन्नामलाई अन्नामलाईयर मंदिर के बाद तीसरा सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगम मंदिर को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के मामले में 2017 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक में मेरिट अवार्ड से भी नवाजा था। तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा अयोध्या में।
अयोध्या में प्रस्तावित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर या धार्मिक स्थल बनेगा। प्रस्तावित राम मंदिर भगवान की डिजाइन को लेकर हालिया खबरों में जो स्थिति बताई जा रही है उसके मुताबिक इसकी चौड़ाई 140 से बढ़ाकर 280 फीट तक की गई है और लंबाई 268 से बढ़ाकर 300 फीट तक। वहीं ऊंचाई पहले 128 फीट प्रस्तावित थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 161 फीट तक किया गया है।